नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी जो कि जेल में बंद है और सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैटमेट, साथ रहने वाला, साथ काम करने वाला, उसकी गिरफ्तारी एनसीबी के द्वारा हुई है और एनसीबी इस मामले में कई एंगल से जांच भी कर रही है सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर। लेकिन अब जो एक बात सामने आई है वो ये है कि सिद्धार्थ पिठानी बार बार बेल पिटीशन के लिए अप्लाई कर रहा है लेकिन उसकी बेल पिटीशन रिजेक्ट हो जा रही है। अब एक बार फिर से उसके वकील ने क्या बात कही वो मैं बताता हूँ कि सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने हैदराबाद से सुशांत से संबंधित एक ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था। सिद्धार्थ पिठानी ने कई बार जमानत याचिका के लिए आवेदन किया लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। अब हाल ही में पिठानी के वकील तारक सैयद ने खुलासा किया है कि सिद्धार्थ को अभी भी जमानत मिलने का इंतज़ार है। तारक ने कहा कि हमने जनवरी में फिर अप्रैल में जमानत के लिए आवेदन किया है लेकिन अदालत में सुनवाई अभी बाकी है। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी को उसके फ़ोन और व्हाट्सएप चैट से सबूत मिलने के बाद एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें बताया गया था कि उसके ड्रग डीलर के साथ संबंध थे। हालांकि हर बार जब पिठानी की जमानत खारिज हुई लेकिन अदालत ने उन्हें 2021 में हैदराबाद में उसकी शादी में शामिल होने के लिए विशेष अनुमति दी थी और शादी के 15 दिन के बाद खुद ही आकर के आत्मसमर्पण किया था। सिद्धार्थ पिठानी ही नहीं, एनसीबी के राडार में आए सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारी हुई। सुशांत की गर्लफ्रेंड, कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक भी गिरफ्तार हुआ था। हालांकि इस मामले में ये दोनों छोड़ दिए गए और दूसरी तरफ एक आरटीआई लगाया गया था कि इस मामले के अपडेट के लिए, तो सीबीआई ने बयान जारी कर कहा और उसमें उन्होंने लिखित रूप से दिया कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जाँच चल रही है, जानकारी जाँच की प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है, इसलिए हम कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। ये बात कहना था सीबीआई का। अब एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी को जेल में बंद कर रखे हैं। सिद्धार्थ पिठानी एक बहुत बड़ा मेन मोहरा है, उससे अगर कड़ी तरीके से पूछताछ की जाए तो वो शायद बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन अभी कुछ भी सामने नहीं आ रहा है और ये मामला बिल्कुल ही शांत पड़ा हुआ है। अब देखते हैं आगे कि आखिर होता क्या है इस मामले में।